तो चुनाव प्रचार का शोर आज थमने जा रहा है और देखिए हम घड़ी भी दिखा रहे हैं कि कितना वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए। 9 घंटे 51 मिनट का समय है और इसी समय में अब दिग्गजों को चुनाव प्रचार करना है और जनता को साधना है। ऐसे में ग्राउंड पर तस्वीर क्या है, कहां पर कौन रहने वाला है, ये समझने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर भी जुड़ चुके हैं। बदायूं से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाहजहांपुर से शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बरेली से रतीश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेश आपका रुख करूंगी क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर आज थमने जा रहा है। शाहजहांपुर में कौन दिग्गज रहेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा और क्या माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए जब बात होती है शाहजहांपुर की तो आपको बता दें ये काकोरी शहीदों की, जो काकोरी एक्शन कांड के शहीद थे उनकी भी धरती है शाहजहांपुर। और इस समय अगर हम बात करें तो हम शाहजहांपुर शहर विधानसभा सीट जो है वहां पर मौजूद है, हम जहां पर मौजूद है यहीं पर पीछे हनुमत धाम है। सुबह सुबह लोग यहाँ पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। और इस सीट से अगर बात करें तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो है सुरेश खन्ना, जो लगातार 8 बार से इस सीट से विधायक हैं। 33 साल हो गए, 1989 से वो लगातार विधायक है यहाँ पर, 9वीं बार फिर से मैदान में है। बहरहाल यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे पहले तो नेताजी का रिपोर्ट कार्ड भी लेते हैं क्योंकि आज देखिए प्रचार खत्म हो जाएगा और 14 तारीख को फैसला होगा उनके भी भाग्य का कि 9वीं बार जनता उनका साथ देने वाली है या नहीं। क्या नाम है आप? संजय अग्रवाल। जी ये बताइए, 9वीं बार भी यहाँ से मंत्री जी को जितवा रहे हैं, विधायक बना रहे हैं कि नहीं? अब बिल्कुल जितवाएंगे। क्यों? उन्होंने काम किया है, सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं। क्या काम किया सबसे? बहुत बहुत काम किए, शहर का नक्शा ही बदल दिया आपकी तो। आपका नाम बताइए। कौशल मिश्रा। कौशल जी, पूरे अगर हम शाहजहांपुर की बात करें तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग मतदान करने वाले? एक तो शिक्षा के क्षेत्र में डेवलप किया है, 2 डिग्री कॉलेज दिए हैं, 2 इंटर कॉलेज एक बन रहा है नया, और बहुत ही काम किए हैं, रिंग रोड दिया है, पार्क दिया है, हर चीज दिया है, हर आदमी की सुनते हैं। क्या छूट गया है जिसके लिए आप वोट देंगे, क्या चाहिए और क्या चाहिए हम लोग? कुछ तो बाकी होगा जिसके लिए वोट देंगे भाई, ये भी चाहिए। हम लोग जितने टाइम जाते हैं हमें मिलते हैं। हम तो सबकी बात कर रहे हैं, 6 विधानसभा सीटें, 1 आदमी को छोड़िए, पूरे शहर की बात करिए। आप बताइए क्या समस्या है अभी बाकी है? अभी कोई समस्या बाकी नहीं है। आपका नाम? सुशील कुमार राठौर। सुशील जी आप बताइएगा, अगर शाहजहांपुर की बात करते हैं तो अब की बार जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है, क्या सोचकर आप अपना वोट करें? हम अपना बिल्कुल शैलेश, लौटती हूँ मैं आपके पास क्योंकि 55 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, जहां पर चुनाव प्रचार का शोर थमेगा।